पुरुषोत्तम भाई, भाई को। हमने इतनी मेहनत कर दी, यही बहुत है। अच्छा हो खराब हो बोलना है हाँ बहुत अच्छा है। तेरे नाम हमने किया है जीवन ने अपना सारा सनम। तो भाई कैसे लग रहा है तेरा नाम स्टाइल? यार इतने टाइम से बाल नहीं कटाए ना भाई। एक तो सावन का महीना है, पावन महीना, पवित्र महीना, तो इस टाइम बाल वाल दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं कटाते, तो ये हालत हो गई है भाई की, बन गया है सलमान खान। तो सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन से आज करते हैं आप सबके लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई सब मस्त है या फिर ऐसी कट रही है आपकी लाइफ? ठीक है, मस्त हो गए तो भाई देखो व्लॉग अपना। इस मशीन में ना आज यार बहुत ज़्यादा पानी भर दिया मैंने, क्योंकि मैं लग रखा था वहाँ पर व्लॉगिंग की एडिटिंग वगैरह करने में, और इसमें पानी चलता गया भाई, चलता गया, और थोड़ा सा पानी तो बाहर भी आ गया था, इसलिए अब जग वग से हटाया मैंने। तो देख लो यार ये कपड़े देख लो, कपड़े भी बहुत ज़्यादा भर दिए, पानी भी बहुत ज़्यादा भर दिया, तो ये देख लो कपड़े कैसे बाहर आ रहे हैं इसमें से। तो मैंने यार सोचा था कि आज हम कपड़े वपड़े धो देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, और भाई सारे कपड़े तो यहाँ पे तार में लग रखे थे, तो वही भीग रहे थे, वही सूख रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई आज धो देते हैं उनको यार अच्छे से, काफ़ी टाइम हो गया है। इस लावारिस पजामे को तो भाई मैं भूल ही गया, ये बेचारा धो कर डाला था, और देखो रे क्या हालत हो गई इसकी, जंग वग लग गया, ये तो अब ख़राब ही हो गया, डस्टिंग के काम आ जाएगा ये। और ये देखो एज़ यूजल फिर से ये हमारा पूरा सीन होता है जो गुड मॉर्निंग का हम आपको दिखाते हैं। कैमरा रोल एक्शन। तो आज मौसम फिर भी बहुत ठीक है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज कपड़े धुलेंगे। ये पुरु भाई हमें छोड़ के जा रहा है आज, पुरु भाई का प्लान है आउटिंग करने का। तो नाराज मत हो, पगले में आऊंगा। तो बाय पुरु भाई, टेक केयर, स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखना, स्टे सेक्सी मैन, खिड़की से हाथ मत निकालना। पर आया आदमी को खाना दे तो खाना कितना, बाय बाय। तो पुरु भाई तो आज चले गए हैं आउटिंग करने के लिए कहीं मस्त सी जगह में, खैर हमें नहीं पता कहाँ होगी वो जगह। तो यार आज बहुत सारा काम है, आज मैंने सोचा कि झाड़ू वाड़ू मारूंगा, तो ये जो झाड़ू देख रहे हो आप, ये झाड़ू है थोड़ा अलग तरीके का। तो बज गया है एक टाइम का भोपू, अब दोबारा घुमाएंगे। और ये झाड़ू ना इसलिए अलग है क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब मैं झाड़ू मार रहा था, तो मेरे पहले वाले झाड़ू में क्या होता था भाई, सारे ये टूट टूट के गिर जाते थे, तो हमने क्या किया ये प्लास्टिक वाला ले लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये हैरी पॉटर के झाड़ू से भी बढ़िया है, आप चाहो तो इसमें उड़ भी सकते हो, उड़ के दिखाऊं, बस इसमें इतना ही उड़ा जाता है, फिर से उड़ के दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 बस इतना ही उड़ा जाता है इसमें। तो आज काम करने का इतना मौका इसलिए मिला क्योंकि आज हमारी सुबह की जो मीटिंग होती थी क्लॉक इन वाली ऑफिस की, वो आज हुई ही नहीं है। तो हमने सोचा कि यार हमने कैसे सोचा, पुरु तो चला गया आउटिंग करने, ये क्रेडिट मैं खुद को दूंगा। तो मैंने सोचा कि यार साफ़ सफाई की जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से साफ़ सफाई नहीं हुई थी, झाड़ू वगैरह मार दिया है, पोछा भी मार दिया है, बस थोड़े से कपड़े रहते हैं। तो यार अभी हम ऑफिस का भी काम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो सारा दिन मैं घर पे ही काम करते रह जाऊं और फिर बाद में शाम को पता लग रहा है कि ढंग से सुनने को मिल रहा है। तो गाइस अब मैं आपको सीधा मिलूंगा कुछ देर बाद, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी करना है और ऑफिस का काम भी करना है, ब्लॉग ही बनाता रह जाऊंगा वरना। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। दोस्तों वो आ गया, प्रेजेंटिंग द डेड मैन इज हियर। टन फाइनली दोस्तों, रेसलिंग का बादशाह द अंडरटेकर, द परशु टेकर, तो भाई हमारा आ गया। तो भाई कैसे रही ट्रिप? इट वॉज रियली फन। तो मैं बताऊँ तो बहुत मज़ा आया आज, और मौसम ने काफ़ी साथ दिया हमारा। लाइक जो मौसम बाहर का आज था, थोड़ा बारिश मिक्स रहा, थोड़ा धूप मिक्स रहा, और थोड़ा ठंड, तो एक दिन में सारे मौसम के मज़े ले लिए। तो देख लो मैंने बताया ना आपको कि मौसम बाहर बारिश और सारा मौसम मिक्स, तो अगर बारिश हो रही है और मेरा फेवरेट है यार बारिश में, मैं पकौड़े तो खाता ही खाता हूँ। अभी मैं घर पे था ना, तो मतलब बारिश हो तो मम्मी कह देती थी चलो इसके लिए पकौड़े बनाने पड़ेंगे, तो ये देखो मैंने माँ से कुछ सीखा और पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू है हमारी। तो थोड़ी देर में पकौड़े बन जाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे पकौड़े कैसे बने हैं। हमारे पकौड़े नहीं, बेसन के पकौड़े कैसे बने हैं।
सो गाइस, ये देख रहे हो आप गर्मा गर्म पकौड़े पुरुषोत्तम भाई ने कर दिए तैयार। और सबसे बड़ी बात है, ये थोड़े अलग तरीके से पुरुषोत्तम भाई ने बनाए हैं। ये कद्दूकस करके बना रखे हैं और बहुत ही टेस्टी। मैंने टेस्ट वगैरह कर लिया था ये बनते बनते ही। तो सबसे बड़ी बात है कि पुरुषोत्तम भाई हमने इतनी मेहनत कर दी, यही बहुत है। अच्छा हो खराब हो बोलना है हाँ बहुत अच्छा है बस। और मौसम बना सा रूल है, मैं चाय बनाऊँ पकौड़े बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ, खाने के बाद पहला निवाला लेते ही बोलना है बहुत अच्छा बना है, ऐसा मैंने आज तक नहीं खाया, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो पहले अच्छा बोलना। तो पुरुषोत्तम भाई ने मौसम बना दिया और ही गजब, क्योंकि बारिश का मौसम, ये प्यारी सी चाय, ये हसीन से पकौड़े। तो एलिजिबल बैचलर लौंडा है भाई अपना पुरुषोत्तम भाई के लिए लड़कियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। तो भाई चलो अब हम ये खाते हैं, अब रहा नहीं जा रहा है। तो अभी ना हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हम ज़्यादातर अपनी गाड़ी वगैरह ठीक करवाते हैं। और अभी आप देख रहे हो रात के 8 बज रहे हैं। तो पुरुषोत्तम भाई ने मुझे बताया ना कि ना भाई की ना जो गाड़ी है ना वो मतलब थोड़ा सा ख़राब हो रही थी, क्योंकि जब आज भाई ट्रिप में गया था ना तो दिक्कत कर रही है। क्या क्या दिक्कत कर रही है? अचानक से ब्रेक इसका थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। अभी हमने यहाँ से ठीक करवाया था थोड़े दिन पहले, फिर दिक्कत आने लग गई। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। ये हमारी क्या रखा था आपने इसका नाम? इसका नाम क्या रखा हुआ है? ठुल्लू महारानी। ठुल्लू महारानी। तो इसी की अभी मरम्मत होनी है, पता नहीं दिख भी रहा होगा रात को कि नहीं दिख रहा होगा। तो भैया आप यहाँ पर देख रहे हो ये मैकेनिक भैया की शॉप के अंदर रात को कितनी सारी गाड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। और ये तो सब आप जानते हो, इंजन ऑयल वगैरह भाई साहब, मतलब दिन में तो ये सारा सामान यहाँ पर होता है और रात को भैया सारा सामान यहाँ लाद देते हैं अपना। तो भाई एक चीज़ है यार, वैसे अगर एक बार किसी ने ये वाला काम सीख लिया ना, मतलब मैकेनिक का, तो भाई पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। मतलब बस थोड़ा दिमाग लगाना है क्या चीज़ ख़राब है, तो बस उस तरफ पैसा ही मोटा मोटा मोटी कमाई है भाई यहाँ पर। तो जैसे कि हम आ गए हैं अब कमरे में, और जब से ये लाइट लगाई है तब से बहुत ही ज़्यादा सही लगता है अब ये कमरा। और अभी मुझे एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो आप ये देख रहे हो कैसे उलझ रखा है ये सारा कुछ। तो सबसे पहले तो इसको ही मतलब सही करना पड़ेगा, और इसको भी साथ में ये सब जो तुमने बिखेर रखे हैं ना इनको भी सही रखना पड़ेगा। झाड़ू भी देखो ऐसे कॉर्नर में पड़ा हुआ है, उसको भी सही करो। और बाकी ठीक है यार, अभी हम लोग ये सब काम करते हैं है ना। और अभी किचन तो बहुत ही खतरनाक वाला हाल हो गया, पानी खत्म हो गया था, एक तो पानी भी खत्म हो गया और किचन की तो बहुत ही बुरी हालत है। तो आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी इंजॉय किया, दिनचर्या सुबह से काफ़ी अच्छी थी। और अब हम खाना वगैरह बनाएंगे और देखते हैं कि क्या बनाना है क्या करना है। तो पुरुषोत्तम भाई जी यहीं पे कर देते हैं, इनको विदा दे दी जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पूरे ब्लॉग में रहने के लिए। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आशा कीजिए कि भाई की गाड़ी सही हो जाए, शेयर कीजिए। और हाँ यार, मेरी गाड़ी ना मतलब पता नहीं उसका पहिए को क्या हो गया ना, मतलब पेंडुलम तो नहीं कह सकते बट फिर भी ना उसकी ना हिली पड़ी है, पिछला वाला चक्का टर्र हो रहा है। तो ठीक है, होपफुली वो सही हो जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं आपको हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं, ज़रूर बताएं यार। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय भारत के लिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।